सीधी बात की ये बोला मूवी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई, और इसका रीजन ये भी हो सकता है कि मैंने इस मूवी से बहुत ही ज्यादा उम्मीदें लगा रखी थी, और इस मूवी से मुझे बहुत ही ज्यादा उम्मीदें थी क्योंकि ये एक रीमेक मूवी है साउथ की कैथी मूवी की। तो ये एक रीमेक मूवी है तो ओरिजिनल में कुछ तो ऐसा होगा जिस वजह से इसका रीमेक बना है, वो साउथ की कैथी मूवी जो 2019 में रिलीज हुई थी जिसे मैंने देखा नहीं है। मैं उसे देखना चाहता था और वो कई बार टीवी पर भी आ चुकी है लेकिन मैंने नहीं देखी क्योंकि मैं इस भोला मूवी को बिना किसी स्पॉइलर के स्टोरी के बारे में कुछ भी जाने बिना सीधा पहली बार एक्सपीरियंस करना चाहता था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ओरिजिनल मूवी हमेशा ओरिजिनल ही रहती है, और ऐसी भी न्यूज आई थी कि इस भोला मूवी में थोड़े बहुत चेंजेस किए गए लेकिन वो क्या है ये तो मुझे नहीं पता है क्योंकि मैंने जैसा तुम्हें बताया कि मैंने इसकी जो ओरिजिनल मूवी है कैथी वो नहीं देखी है। इस भोला मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों अजय देवगन जी है, और इस मूवी का बजट 80 करोड़ है, और मुझे नहीं लगता है कि इस मूवी का रीमेक बनाने की कोई जरूरत थी क्योंकि जहां तक मुझे पता है इसकी जो ओरिजिनल मूवी है कैथी वो ऑलरेडी हिंदी डब्ड है। और वैसे तो मैं तो ऐसा ही चाहूंगा कि कोई मूवी की कोई भी रीमेक बने ही ना, लेकिन अगर तुम बनाते ही हो तो उस मूवी की बनाओ जिसको तुम रीमेक बना रहे हो, उसकी जो लैंग्वेज है वो उस ओरिजिनल की लैंग्वेज ना हो, जिससे जिन लोगों ने वो मूवी नहीं देखी जिनको वो लैंग्वेज नहीं आती है तो इस वजह से ये सारे लोग इस ओरिजिनल मूवी को देखे। अगर कैथी मूवी ऑलरेडी हिंदी में है तो सारी हिंदी ऑडियंस ने वो मूवी देख लिए तो कोई भोला मूवी क्यों देखेगा, और ऊपर से तो एक ये रीमेक नाम आता है तो ऐसा ही कहता है मूवी को देखे ही ना। मूवी की स्टोरी के बारे में बात करें तो मूवी की स्टोरी 5 से 6 घंटे के अंदर पूरी मूवी में खत्म हो जाती है। वैसे तो मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कई सारी ऐसी सर्वाइवल मूवी है जो इससे भी कम समय की होती है। तो भोला जो 2012 से जेल में रहा है यानी कि 10 साल तक, अब वो जब 10 साल के बाद जेल से बाहर निकलता है तो वो सीधा अनाथ आश्रम जाना चाहता है जहां पर उसकी बेटी है, लेकिन ना चाहते हुए भी उससे पहले एक और काम करना पड़ता है, वो है ट्रक चलाने का। और उसके बाद वो कैसे अपनी बेटी तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है ये तुम इस मूवी में देखना। मूवी की स्टोरी अच्छी है, कैरेक्टर अच्छे है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे हमारे सामने अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाए, और मूवी में बहुत सारे ऐसे सीन है जिसके दौरान हमें ऐसा लगता है कि ये अभी जो मूवी में कैरेक्टर दिखा रहे हैं वो बेवकूफ है क्या, क्योंकि उसे जो इस वक्त करना चाहिए वो तो कर नहीं रहा है। जैसे कि एक सीन में पुलिस थाने के अंदर दो लोग आरपीजी लेकर पहुंच जाते हैं क्योंकि वो उसे उड़ाना चाहते हैं, वो असल में गुंडे थे तो इस वजह से वो पुलिस थाने को उड़ाना चाहते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, अगर तुम जो करने आए हो वो काम वो करो ना, सीधा उड़ा दो पुलिस थाने को। और उसके बाद उसी पुलिस थाने में एक और सीन था जिसमें वो जो एक चश्मिस लड़का था वो ऐसे ही बैठा हुआ था जिस पर बाहर से गुंडे लोग रस्सी फेंकते और वो सीधा जाकर उसके गले में अटक जाते। ठीक है चलो समझ गए कि उसके गले में अटक गई, लेकिन उस चश्मिस के अलावा वहां बाकी के 4 लोग हैं जो उसके गले को उस रस्सी में से निकाल नहीं पा रहे। और फिर एक ऐसा फाइट सीन था जिसमें भोला ऐसे ही लोगों को थोड़ा बहुत टच कर रहा है और उनकी हड्डियां टूटे जा रही है। भाई ये तो थोड़ा नहीं बहुत ही ज्यादा हो गया। वैसे तो देखा जाए तो मूवी में एक्शन सीन अच्छे है लेकिन कुछ नया नहीं है, जो सब कुछ हमने इस मूवी में एक्शन देखा वो हम पहले भी दूसरी मूवीज में देख चुके हैं। मैं मूवी की इतनी ज्यादा बुराई कर रहा हूँ, हाँ मैं जानता हूँ कि मूवी उतनी भी खराब नहीं है, लेकिन पता नहीं ये जो सारे पॉइंट्स थे ये मूवी में मुझे अच्छे नहीं लगे तो मैं सीधा बता रहा हूँ। और जैसा कि हम पहले से ही बॉलीवुड में देखते आ रहे हैं कि मूवी की पूरी लव स्टोरी एक सॉन्ग में ही दिखा देना, जैसा हमने बच्चन पांडे मूवी में भी देखा था कि कैसे मिले, क्या हुआ, क्या बात हुई, कैसे प्यार हुआ, ऐसा सब कुछ कुछ भी नहीं, सीधा एक सॉन्ग के अंदर सब कुछ दिखा देना, इस तरीके से प्यार हुआ, इस तरीके से शादी हुई, इस तरीके से बच्चे हुए, और यही चीज हमें इस मूवी में भी दिखाई है। और मूवी की स्टोरी को थोड़ा सा बिल्ड होने में टाइम लगता है जो बात समझ आती है, क्योंकि अगर थोड़ा टाइम लेगी तभी उसको एंड में देखने में मजा आएगा, लेकिन उसके बाद भी ऐसा लगता है कि अभी तो मजा आ नहीं रहा है। इवन मूवी में भोला की एंट्री करीब आधे घंटे के बाद है, और ये जो सारी चीजें जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो मैंने तुम्हें बता दी, और इसके अलावा मूवी अच्छी है ठीक ठाक है, अब ये मैं तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम्हें इसको देखना चाहिए या नहीं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जरूरी नहीं है कि तुम मेरी इन सभी बातों से सहमत करो, तुम्हारा खुद का कुछ ओपिनियन हो सकता है, वो मुझसे अलग भी हो सकता है, और वो क्या है ये मुझे जरूर से कमेंट में बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबा देना।